आप कभी मत समझिए इन फालतू की बातों को कि मेरा दिल किधर है, वो लाइट लेफ्ट में है या राइट में, कई सारे लोग आ जाएंगे उल्टे सीधे थॉट तुम्हें समझा के चला जाएंगे कि जब दिल है ही लेफ्ट साइड में तो वो फैसले सीधे कैसे लेगा। मेरे भाई फैसले लेने के लिए तुम्हें दिमाग दिया गया है दिल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट तुम्हारे समझ में आया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो ठिकाने लगाओगे कहीं ना कहीं। जैसे तुम लोगों ने सांस ले ली, सांस अंदर चली, यू आर नॉट अ पीएचडी स्टूडेंट जो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आराम से, शाबाश, आराम से बताओ। ओके गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन पे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। मैं उस पॉइंट को आप लोगों को आज बिल्कुल क्लियर करके दे रहा हूं और आप ध्यान से देखिए, मेरा मकसद आज आप लोगों को लेके आने का है इस कर्व के ऊपर। आप लोग इस कर्व में फंसते हो कि ये कर्व कब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा और ये कब कर्व आपका राइट में शिफ्ट करेगा। अच्छा, ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि वो लेफ्ट में शिफ्ट करे या राइट में शिफ्ट करे। सवाल ये है कि वो लेफ्ट में और राइट में शिफ्ट कर क्यों रहा है। आप ये भी तो समझने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी देर तक चलने वाली है, 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा, आई डोंट केयर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि इट इज वर्थ। सीरियसली, आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। मैं आप लोगों को आज ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं जिसे हम लोग सिंपली बोलेंगे ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व, या फिर एक दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे, हैमबर्गर इफेक्ट। अब टाइम लेती है चीजें, ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम जीरो से सौ पे पहुंच जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से आप कोशिश भी मत करना। आप लोग एक काम करो, जीरो से बेटा दस पे, दस से बीस पे, बीस से तीस पे, तीस से चालीस पे, आप इस हिसाब से काम करो और आप ये देखेंगे कि आप एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझने में कामयाब हुए हो। अब रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि सर एक नीट क्रिस्टल क्लियर एक आप टॉपिक के अंदर आप हमें कुछ ऐसी चीजें समझाइए। कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के, मैं वो कमेंट्स भी दिखाऊंगा। पहला मैं उठा रहा हूं आप लोगों के लिए ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। अब चलिए जरा बोर्ड पे आते हैं और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये समझाता हूं कि आप लोगों की एनसीईआरटी दरअसल कह क्या रही है। आप ध्यान से देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैं आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी के 274 पेज पे लेके आ रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप लोगों के पास में एनसीईआरटी खुली रखी हो आपके पास, ताकि मैं आप लोगों को यहां पर लिखने वाला एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ज्ञानी होने से तुम्हें सिर्फ शब्द समझ में आएंगे, लेकिन अनुभवी होने से तुम्हें शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। आप ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन दे रहा हूं। नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। यानी कि आपका ब्लड ऑक्सीजन को और दूसरी चीज कौन सी है, CO2, दोनों को वो ट्रांसफर करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसको किधर ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर तो करेगा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुम्हें ट्रांसफर करना किधर से किधर को है। तो आप बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि जैसे तुम लोगों ने सांस ले ली, सांस अंदर चली गई, कहां चली गई, आप लोगों के लंग्स में चली गई। तो लंग्स में जब सांस गई तो वो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन जाने के बाद में एल्वियोलाई यानी कि लंग्स से वो ऑक्सीजन सीधे सीधे अब आप लोगों के ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। अब ब्लड में ऐसी कौन सी चीज है, ब्लड में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगी। द आंसर इज, उसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आप लोगों को क्या करके देगा, सीधी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगा। और वो हीमोग्लोबिन आप लोगों को कैरी करके लेके जाएगा ऑक्सीजन कहां पर, पिटा टिश्यू के अंदर। और जैसे ही वो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर पहुंची तो वहां पर क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जब चल रहा है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान वहां से एक्सेस अमाउंट में क्या चीज रिलीज हो रही है, आप समझ सकते हैं आपके पास क्या चीज अमाउंट रिलीज हो रही है। द आंसर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो ठिकाने लगाओगे कहीं ना कहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें फिर से क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जो आपके टिश्यू से CO2 को उठाए और CO2 को उठाने के बाद में उसको वापस आपके लंग्स तक ले जाके उसको निकाल दे। एक्चुअल में फिनोमिनन तो यही होना चाहिए ना। अब हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि ट्रांसपोर्ट, मैंने यहां पर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए और आप ये देखेंगे कि यू विल रियलाइज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट तुम्हारे समझ में आया है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों जरा इसे समझिए, इसे हम क्या कहते हैं, तो मैंने बोला कि कंसीडर करो कि बच्चों ये तुम्हारे लंग्स हैं। आप लोगों ने ये कंसीडर कर लिया कि सर दीज आर लंग्स। अब इन लंग्स के अंदर जाहिर सी बात है क्या चीज होनी चाहिए, आप कहेंगे सर फंक्शनल यूनिट हम रखेंगे और जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। तो आप इतनी बात समझें कि मैं एल्वियोलाई की बात कर रहा हूं।
अब ध्यान से समझिए कि ये आप लोगों का हर्ट है, तो ये आपका हर्ट आया कुछ ऐसे करके और आप लोगों ने ये हर्ट अपना दे दिया, और आप देखिए ये हर्ट आप लोगों का कितने चैंबर वाला होगा। द आंसर इज सर ये हर्ट होगा 4 chambered heart। अब 4 chambered heart में मैं अगर बोलूं आप लोगों से बच्चों इधर कौन सा ब्लड होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इधर आ गया आप लोगों का ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। और अगर इस साइड में पूछूं तो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, इस साइड में मैं लिख दूंगा सिंपल, बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे कि इधर हम लोगों ने ले लिया है और डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब देखिए एक राशनील बड़े ध्यान से मेरी बात समझें, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑक्सीजिनेटेड ब्लड में CO2 नहीं होगी, ना ऐसा नहीं है। ऑक्सीजिनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी, जबकि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड का मतलब सीधे आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर CO2 ही CO2 है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल समझिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लेके चले तो जरा पार्शियल प्रेशर समझिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर, बने रहिए मेरे साथ। आपको मैंने अभी शुरू में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एकदम से 100 पे एकदम जीरो से आप लोग 100 पे मत पहुंचिए। यू आर नॉट अ PhD स्टूडेंट जो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर कोई चीज में समझना है तो थोड़ा सा उसमें वक्त आप लोगों को देना पड़ता है। अब आप ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, जरा पार्शियल प्रेशर भी तो समझिए। पार्शियल प्रेशर कहते हैं कि अगर मैं एक गैसेस का मिक्सचर ले लूं, कई सारी उसके अंदर गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी गैसेस अपना प्रेशर कहां डाल रही होंगी, अपने बर्तन में या जिस चीज के अंदर वो रखी हुई है उसकी वॉल पे प्रेशर डाल रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन ये है कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं। पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं कि मिक्सचर के अंदर कोई एक गैस जब अपने उस जिस चीज के अंदर वो रखी गई है तो उसकी दीवारों पर जो इंडिविजुअल प्रेशर डाले उसे मैं पार्शियल प्रेशर कह रहा हूं, उस पर्टिकुलर गैस का। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कौन से ब्लड की बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड की। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां देखिए ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी कहती है 95 mm Hg। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझें अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, तो माय डियर ये लगभग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 97 के आसपास या 98 के आसपास होता है। ये मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं। अब दूसरी बात समझिए, अब मैं ब्लू पेन से ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां कितना है, इधर पूछ रहा हूं इधर। तो आप लोग ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी कहती है वो है 40 mm Hg, यानी कि पारा मरकरी के बेस पे हम उसके रेस्पेक्ट में हम लेते हैं प्रेशर को। तो इधर आ गया CO2 कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 40। अब आप बहुत ध्यान से एक फिर बात समझिए, आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज है। अच्छा मैं हार्ट को क्या करता हूं, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं ताकि आपको आर्टरी और वीन में फर्क करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग देखिए मैंने ये हार्ट को मैंने कैसे बना दिया है, ये मैंने ब्लैक पेन से बना दिया है। अब आप एक बात समझाओ, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां आता है। द आंसर इज आप कहेंगे सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा पहले वो इधर कौन सा हाथ है, लेफ्ट। तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट एट्रियम में आके गिरेगा, जैसे मैंने यहां आपको दिखाया। अब लेफ्ट एट्रियम से ये पूरे का पूरा ब्लड आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड देखिए, ये ब्लड बहुत ध्यान से देखिए, ये ब्लड इधर जा रहा है। अब ये कहां जा रहा है, आपका हर्ट कहां है, बीच में है। आप कभी मत समझिए इन फालतू की बातों को, मेरा दिल किधर है वो लाइट लेफ्ट में है या राइट में। कई सारे लोग आ जाएंगे उल्टे सीधे थॉट तुम्हें समझा के चला जाएंगे कि जब दिल है ही लेफ्ट साइड में तो वो फैसले सीधे कैसे लेगा। मेरे भाई फैसले लेने के लिए तुम्हें दिमाग दिया गया है, दिल नहीं। तो चक्कर में मत पड़ो, सीधी बात करो कि लेफ्ट में ना राइट में आपका हर्ट है, मिड में। और जब हर्ट आपका मिड में है, लेकिन दिक्कत नहीं कहूंगा, बस प्रॉब्लम ये है, अरे प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगा, मतलब एक स्पेशलिटी है कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए हम लोग इसको जनरली लेफ्ट बोल देते हैं, वरना आपका हर्ट है बिल्कुल बीच में, ध्यान रखें। अब आप मुझे समझाइए कि जब ये इधर यहां से ब्लड आपका इधर की तरफ जा रहा है, तो आप मुझे समझाओ जब इधर की तरफ जा रहा है तो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है। इसीलिए अगर आप कहो मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप कहो तो क्या आप लोग इधर वाले हर्ट को या इधर वाले सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कह सकते हो या नहीं। अगर नोट कर रहे हो तो लिख लो, मेरे पास बोर्ड वैसे ही छोटा है, आप समझ लीजिए। तो आपने बोला कि इधर का है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको ब्लड को नीचे लेके जा रहा है। वो दूसरी बात है कि यहां से तीन चीजें और निकलेंगी, आप ध्यान से देखें, यहां से तीन चीजें, नंबर वन एक ये निकला,
दूसरा ये निकला और तीसरा ये निकला, बात समझिए। तो यहां से क्या आ जाएंगे, कैरोटिड, सबकैलियन और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये मैं आप लोगों को सर्कुलेशन में समझा दूंगा। अब आप पूछेंगे सर ये तीन किसने निकाली, तो भाई हर्ट तुम्हारा यहां पर है तो क्या गर्दन में, क्या ब्रेन में ऑक्सीजन को नहीं लेके जाओगे, लेके जाना पड़ेगा ना, तो इन तीन की हेल्प से वो वहां जा रहा है, आप समझ लेंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं ब्लड को यहां लेके आया, अब यहां ले जाने के बाद में फाइनली तुम्हारा ये ब्लड कहां जाना चाहिए। आप कहेंगे सर टिश्यू में जाना चाहिए, तो लीजिए टिश्यू भी समझ लेते हैं। टिश्यू ये रहे, मैंने कहा ये आपके टिश्यू आ गए ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से फोकस देखो जरा ठीक से दिखाई दे रहा है बच्चों को, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पर जब ये आर्टरी यहां से गुजर गई तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगी और आपकी CO2 वापस ब्लड के अंदर जाएगी। आप बात समझिए, ये तो होना है भाई, ऑक्सीजन को तुम टिश्यू में भेजोगे और उसके बदले में यहां से CO2 को उठाओगे। और जब आपने CO2 को उठा लिया तो अब मैं फिर से देखो कौन सा पेन यूज कर रहा हूं, ब्लू। और अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला ब्लड आया और ये वाला ब्लड अब इधर की तरफ जा रहा है। यहां ध्यान से देखिए, ये ब्लड आया और इसमें आया और इसमें आने के बाद में ये ब्लड यहां आया, यहां से जाने के बाद में ये ब्लड ये आ गया। ध्यान से देखें आप लोगों को ये ब्लड आपका जाता हुआ दिखाई देगा। अब सर्कुलेशन देखो पूरा हुआ या नहीं हुआ, सर्कुलेशन चेक करो। देखो यहां से हर्ट ने इसको पंप किया तो ये ब्लड आप लोगों का रेस्ट ऑफ द बॉडी में गया और रेस्ट ऑफ द बॉडी में सारी एक्सचेंज करने के बाद में वापस CO2 वाला ब्लड फिर से हर्ट में गया और हर्ट में जाने के बाद में फिर से लंग्स में चला गया। और लंग्स क्या करेगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को सॉरी फिर से भर देगा। ये थी कहानी आप लोगों की सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम। और ये वाली कहानी थी आप लोगों का पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान से देखो, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्योंकि इधर वाले सर्कुलेशन को हार्ट कहां भेज रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जबकि इधर वाले को कहां भेज रहा है, लंग्स के लिए काम कर रहा है। आप समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ आराम से, शाबाश आराम से बताओ, अगर इधर पार्शियल प्रेशर है ज्यादा तो CO2 क्योंकि है ज्यादा, तो इधर बताओ PCO2, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे PCO2 समझा दो बस इधर कितना होना चाहिए, कम या ज्यादा, तो द आंसर इज PCO2 सर इधर होगा कम। क्यों, क्योंकि PCO2 इधर हो जाना चाहिए ज्यादा। वो क्यों हो जाना चाहिए, आप ये कहेंगे कि सर यहां पर ऑक्सीजन CO2 कम थी इसीलिए CO2 यहां से एक्सेस में आपके वीन में आ गई होगी तो यहां पर पार्शियल प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए। तो देखो आपकी एनसीईआरटी कहती है अगर इधर है 40 तो अब पार्शियल प्रेशर तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग चेक करिए, पार्शियल प्रेशर आप लोगों को यहां पर CO2 का दिखाया गया है 45 यानी 45। तो देखिए मैं यहां क्या लिख रहा हूं, 45 mm Hg। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि 40 यहां थी 45 यहां हो गए तो कुछ CO2 आपके ब्लड में आई है, यही तो मतलब है। अब ऑक्सीजन का भी देखो, आपको नहीं लगता कि यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 तो इसका मतलब ऑक्सीजन गई होगी टिश्यू के अंदर, ऑक्सीजन की कमी होगी और जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि इस साइड में आपको ऑक्सीजन कम दिखाई देगा। तो इधर देखिए यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, द आंसर इज सर इधर की 95 और इधर हो गई है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 40 mmHg। कितनी हो गई, 40 mmHg। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, लेकिन ये तो थी एनसीईआरटी की बात। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट समझा रहा हूं, जरा उसको नोट करते रहिए। पहली बात ये समझिए कि हर मिनट, देखो ध्यान से समझना, हर मिनट ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रही है ना टिश्यू में कितनी हो रही है, ये पूछा है मैंने। मेरा सवाल क्या है कि हर मिनट यानी कि एवरी मिनट, मैं इसको ज्यादा देर लिखे नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे ये हटाना भी है, एवरी मिनट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यू, ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यू, द आंसर इज जरा आराम से नोट करना 250 ml। देखो एक बहुत मेडिकल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान से देखो कि हर मिनट पे क्या हो रहा है, हर मिनट जो तुम सांस ले रहे हो 12 से 13 ब्रीदिंग कर रहे हो तो हर मिनट में ऑक्सीजन कितनी डिलीवर हुई है आपके लंग्स के अंदर, द आंसर इज सर 250 ml ट्रांसफर हुई है। अब दूसरा सवाल समझिए यहीं से, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरी मिनट CO2 रिलीज बाय टिश्यू इज 200 ml, अब जलेगी तुम्हारे दिमाग की बत्ती। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यानी कि हर मिनट पे ऑक्सीजन टिश्यू में गई कितनी, ध्यान दीजिए गई कितनी 250 ml, निकल के कितनी आई CO2, आप कहेंगे 200 ml, यानी कि फर्क कितना आ गया, 50 ml का फर्क है, 50 ml का फर्क, छोटा मोटा फर्क नहीं है, यानी कि CO2 निकल के आ रही है कम।
लेकिन उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है टिश्यू के अंदर ज्यादा, तो ज्यादा ऑक्सीजन क्यों? अब बताता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों का पानी भी तो बनाएगी। आप ध्यान से समझिए कि जब आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, जब आप लोग देखेंगे ईटीएस, तो ईटीएस के अंदर जरा दिमाग लगाइए, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हाफ ऑक्सीजन ने एच प्लस के साथ मिलकर क्या बनाया था? H2O बनाया था, यानी कि पानी बनता है आपके इस ऑक्सीजन से। इसीलिए ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और CO2 आप लोगों की कम निकल रही है। अब यहां से एक चीज और समझिए, मैं आप लोगों को पहले डेटा दे रहा हूं, मैं अभी फिनोमिनन पे तो आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं आपको डेटा दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आप फिर से एक चीज समझिए, मैं चार हैशटैग दूंगा आप लोगों को, टोटल कितने हैशटैग हैं? चार हैशटैग हैं, चारों के चारों हैशटैग अपने आप में एक कंप्लीट बायो तुम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे। इधर देखिए, अगर मैं पूछूं इन 100 ml of blood, अब ध्यान से समझो, मैंने यहां क्या लिया है, एवरी मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी ऑक्सीजन डिलीवर हुई, आपने कहा 250, एक मिनट में CO2 निकल के कितनी आई, आपने कहा 200। लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इन 100 ml of blood के अंदर, 100 ml of blood के अंदर ऑक्सीजन कितना? तो आंसर आपका आएगा कि ऑक्सीजन है 20 ml। कितनी है बच्चे? 20 ml। अब दूसरी बात है कि सेम 100 ml के अंदर, सेम 100 ml of blood, ध्यान से देखिए, अगर मैं फिर से पूछूं 100 ml of blood के अंदर CO2 कितनी है, CO2 कितनी है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए, 100 ml of blood के अंदर इधर की साइड में आप देखेंगे कि CO2 है आप लोगों की 48 ml। ये बात मैंने तुम्हें किधर समझाई है, पहले आप ये भी देखिए, ये बात मैंने आपको किधर की समझाई है, ये बात मैंने आपको समझाई है बच्चे इधर की साइड, यानी कि सिस्टमिक, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इस साइड में ऑक्सीजन कितना, आंसर इज सर 20 ml। उसी ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर CO2 कितना, आंसर इज 48 ml। अब जरा 2 मिनट के लिए इधर आइए, अब मैं आपसे पूछूं कि इन 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बताओ मुझे ऑक्सीजन कितनी है इधर, तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा? आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा? द आंसर इज सर कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहां से ऑक्सीजन डिलीवर हुई होगी कहां पर, आपके टिश्यू के अंदर। तो देखिए यहां पर कितनी थी, मैंने आपको कितनी बताई 20 ml, और यहां पर देखिए कितनी है 15 ml। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, यहां हुआ यह है कि 100, यहां 100 ml ब्लड के हिसाब से देखें तो 20 ml ऑक्सीजन इधर थी, और अब वो 5 ml ऑक्सीजन कहां ट्रांसफर हो गई, ये देखिए 5 ml ऑक्सीजन आपके टिश्यू में ट्रांसफर हो गई, तो बच कितनी रही है, बच रही है 15। अब सेम फिनोमिनन में ये पूछूं कि उसी 100 ml ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अब CO2 कितनी है, तो आपका आंसर होगा सर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि टिश्यू से निकल के आई होगी, तो जब निकल के आई तो अब आप लोग देखिए ये आ गई 52 ml। अब आपको शायद बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि देखो मैंने तीन बातें आपको बोली और तीनों बातें आपको समझ में आ गई। ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो, तीनों पैराग्राफ पढ़ो। मेरे हिसाब से मुझे ये वाला पॉइंट हटाना चाहिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी आपको समझ में आए। अब सिमिलैरिटी देखिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को एकदम टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला इधर देखो पार्शियल प्रेशर 95, इधर देखो पार्शियल प्रेशर 40, बताओ अंदर कितना गया पार्शियल प्रेशर, आप कहेंगे 55, कितना 55, इधर देखो यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना 40 और यहां पार्शियल प्रेशर कितना 45, यानी कि पार्शियल प्रेशर CO2 का निकल के कितना है, आप कहेंगे सर 5। इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप हुआ है ज्यादा, ऑक्सीजन का ही ज्यादा, CO2 निकल का ही कम। दूसरे में देखिए, अगर मैं पूछूं 100 ml में ऑक्सीजन कितनी, आप कहेंगे सर 20, और इधर 100 ml में कितनी, आप कहेंगे सर 50, यानी कि ऑक्सीजन अंदर कितनी गई, आंसर इज 5 ml। अब मैं पूछूं वही 100 ml के अंदर CO2 कितनी, आपने कहा 48 ml, और इधर देखिए कितनी आ गई है 52 ml, इसका मतलब CO2 कितनी निकल के आई, 4, यानी कि ऑक्सीजन गई है 5 और निकल के आई है 4। समझ गए मेरी बात, ये नहीं समझे, ऑक्सीजन अंदर टिश्यू में कितनी गई 5 और निकल के कितनी आई 4। अब वही बात मैंने क्या बोला कि एवरी मिनट की अगर मैं तुमसे बात करूं तो अगर ये टिश्यू है तो देखो एवरी मिनट में जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ कितनी गई है, आप कहेंगे सर 250 ml। और अब मैं आपसे पूछूं,
अब आपसे मैं ये पूछूं कि एवरी मिनट CO2 कितनी बाहर निकल के आई, CO2, तब आप लोग कहेंगे सर 200 ml, 200 ml। अब बताओ राशमेल समझ में आई, यानी कि हर तरफ से तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा है और CO2 जो निकल रही है वो कम निकल रही है। मेन चीज तो ये आई निकल के। अब शायद आपको इतनी देर में, मुझे लगता है इट इज वर्थ, इतनी देर में जो भी मैंने आपको समझाया है शायद आपको बात प्रॉपर समझ में आ गई होगी, बात प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अब आप फिर से देखिए अपनी NCERT, आप लोग NCERT को अपनी फिर से देखिए और ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि इस डायग्राम में आपकी NCERT ने तुमसे कहा क्या है। आप ये मत सोचो कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, ना, आप फ्यूचर की बात ही मत करो, तुम लोग फ्यूचर बना नहीं रहे हो, तुम नीट क्लियर कर रहे हो, तुम मेडिकल में जाके पढ़ोगे बच्चों, तुम लोग एक मिशन पे हो, मिशन समझते हो, फ्यूचर नहीं है तुम्हारा, फ्यूचर को छोड़ दो, फ्यूचर तो है, फ्यूचर यहां है, मिशन यहां है, एक मिशन पे काम करो तुम लोग। यू आर द नोबल प्रोफेशनलिस्ट, यस सीरियसली। तो नोबल प्रोफेशन के आप लोग क्या बनने वाले हो, काबिल बनने वाले हो, तो बात को ध्यान से समझिए, इतना मत सोचिए कि तुम लोगों सिर्फ एक फ्यूचर बना रहे हो, ना, डॉक्टर का फ्यूचर नहीं होता, वो एक मिशन पे होता है, तभी वो पूरी जिंदगी ये बात बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, चाहे 98 इयर्स का, लेकिन फिर भी क्या कहेगा कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर बहुत काम की चीजें समझा रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने लेक्चर के दौरान पढ़ना है, उसे हम कहते हैं आप लोगों का क्लोराइड शिफ्ट, और दूसरी बात उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम्बर्गर इफेक्ट, और यही मैं आप लोगों को ऑक्सीजन का एसोसिएशन डिसएसोसिएशन कर समझा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटाता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत है। आप लोग एक काम करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आप लोगों को लेने हैं। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब मैं आप लोगों को एक नोबेल लेक्चर की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए मैंने ये किया कि मैंने इसको यहां से समझा देता हूं, यहां से देख लीजिए आप लोग, यहां से देखिए, यस। तो आप लोग देखें कि ये है टिश्यू, ये लास्ट में आप लोगों ने ये देखे टिश्यू, ये देखिए ध्यान से, ये टिश्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ये टिश्यू आ गए आप लोगों के लास्ट में है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, है ना, इन्हें हम लोगों ने क्या बोला है, टिश्यू बोला है। सो दिस इज योर टिश्यू। अब इन टिश्यू के अंदर यहां पर देखिए आप लोग आराम से समझने की कोशिश करिए कि इनके अंदर आप लोगों को जनरली ये न्यूक्लियस मिल रहा है, इन टिश्यूज के न्यूक्लियस मिल रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, समझ रहे हो ना, समझ गए इतनी बात। चलो अब हम क्या करते हैं, जरा इस आर्टरी को देखते हैं, वो आर्टरी आप लोगों की यहां से गुजर के जा रही है, यहां से देखिए ये आर्टरी आप लोगों की यहां से गुजर के जा रही है ना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा आर्टरी को, लगभग इतना, ताकि मैं इसके अंदर होने वाले इवेंट को आपको समझा पाऊं, समझ गए, इतनी बड़ी आर्टरी समझ सकते हो ना। अब मुझे आराम से बताओ कि अगर मैंने इतनी बड़ी आर्टरी ली है तो इसके अंदर फिर ये क्या चीज है, तो आपने कहा सर इसे हम लोग बुलाते हैं आरबीसी। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, इसे मैंने बोला ये है हमारी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, और रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर ध्यान से देखिए ये क्या चीज मैंने बनाई है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए ये मैंने क्या चीज बनाई है रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर। आप लोग शायद चार फ्लावर देख के समझ गए होंगे कि सर इन चारों को एक साथ मिलाओ और अब हम लोग इसे बुलाएंगे हीमोग्लोबिन, इसे हम लोगों ने क्या बोला, हीमोग्लोबिन बोला। अब देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूं हीमोग्लोबिन क्या लेके आया, भाई हीमोग्लोबिन क्या लेके आया, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन लेके आया और वो ऑक्सीजन आप लोगों की ट्रांसफर हो गई, ये देखिए आप लोगों के टिश्यू में। अब कितनी हुई, कितना बार सेपरेशन था, ये मैं सब आपको बता चुका हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या समझा सकता हूं, भाई सारा कुछ मैंने इसके अंदर आप लोगों को बता दिया। अब मुझे आराम से बताओ कि जब ऑक्सीजन अंदर ट्रांसफर हो गई तो फिर बाहर क्या निकल के आया, द आंसर इज सर यहां से निकल के आएगी CO2, और ये देखो ये आई CO2, ये आई CO2। अब ये ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। आप लोग अगर बहुत ध्यान से अपनी NCERT देखें तो आपकी NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन लिखा हुआ है, और देखिए वो फिनोमिनन क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, वो ये लिखा है, इसमें लिखा है कि नियरली 20-25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। इसका मतलब 20-25% जो RBC जाएगी वो आप लोग, सॉरी 20-25% जो आपकी CO2 जाएगी वो किसकी हेल्प से जाएगी, वो जाएगी RBC की हेल्प से। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं, कि CO2 को मुझे 20% या 25% किसकी हेल्प से लेके जाना है, RBC की हेल्प से। लेकिन RBC की हेल्प से मैं कैसे लेके जाऊं, आपको ये बात समझनी चाहिए कि RBC के पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे मैं बुलाता हूं क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन इधर देखिए, अब बताओ मुझे, आपको नहीं लगता कि हीमोग्लोबिन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा,
आंसर करो भाई, हीमोग्लोबिन किस चीज से मिलके बना होगा? द आंसर इज हीमोग्लोबिन बना होगा अमीनो एसिड से मिलके। तो अमीनो एसिड्स के एंड में आपको नहीं लग रहा कि एक अमीन ग्रुप रहता होगा? भाई अमीन ग्रुप रहता होगा। आप ध्यान से समझें, जो 25% मैं आपको 25% CO2 की जो बात बता रहा हूं, वो 25% CO2 एक्चुअली इसके साथ कंबाइन होके रही है। ये मैंने लिख दिया CO2। आप जानते हैं जब हीमोग्लोबिन के साथ में जब CO2 ऐड होती है तो कंटेंट, रिजल्टेंट कंटेंट क्या बनता है, मैं यही लिख देता हूं। उसे हम लोग कहते हैं कार्ब अमीनो HB। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, कार्ब अमीनो HB। और ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये कह रही है कि CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब।